नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट टेक में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आधार कार्ड का जो स्लिप मिलता है एनरोलमेंट स्लिप, उससे आप आधार कार्ड कैसे अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं और आधार कार्ड जो डाउनलोड किया जाता है उसमें कौन से जो है अभी चेंजिंग किए गए हैं। जो पहले आधार कार्ड डाउनलोड होता था एनरोलमेंट नंबर और इसके जो स्लिप मिलते हैं उसे हो जाता था, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है इसी के बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि इसे कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ऊपर दिया होता है एनरोलमेंट नंबर 14 डिजिट का होता है ये नंबर, ठीक है। 14 डिजिट का ये नंबर होता है जो आपको फर्स्ट में यहाँ दिया होता है, ये 14 नंबर का डिजिट हो गया। ये जो डिजिट होता है ये सेम होता है, इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना होता है। ये सेम जितना होता है 14 डिजिट का पूरा डालना होता है जब आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है। बात करते हैं उसके बाद, जब ये एनरोलमेंट नंबर 14 डिजिट का आप डाल लीजिएगा, उसके बाद आपको जो है डेट, सबसे बड़ी बात है इसमें डेट जो है उसी को बदलाव किया गया। डेट जो आपके रिसिप्ट पर आता है वो पहले डीडी होता है यानी दिन होता है, उसके बाद होता है आपका मंथ एमएम, ठीक है, डीडी एमएम, उसके बाद होता है ईयर्स वाईवाई, ठीक है। तो इसी में आपको ध्यान देना है। तो इसके बाद क्या करना है, ये डीडी एमएम वाईवाई के फॉर्मेट में होता है और आपको जब डाउनलोड करना होता है उस वक्त आपको क्या डालना होता है हम बताते हैं। देखिए, उस वक्त आपको ये 14 डिजिट का जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपको डालना होता है फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद जो अब आप 14 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर यहां से यहां तक डाल लीजिएगा, उसके बाद आपको इसमें डालना होता है साल, ठीक है। ये 2022 फर्स्ट में आपको डालना होता है, ठीक है, 2022। उसके बाद आपको डालना होता है मंथ, ये जो आप देख रहे हैं मंथ, ठीक है। तो उसके बाद आप डालिएगा 02, उसके बाद आप डालिएगा इसमें डे, ठीक है, डे डीडी 08। तो आप समझ गए, इसी को यहां दिक्कत हो रहा है। और जिनको नहीं मालूम है, जो पहले डाउनलोड किए हैं वो डालेंगे डीडी एमएम वाईवाई, तो उस वक्त जब आप गलत डालिएगा, यानी अपने हिसाब से तो आप सही डालिएगा लेकिन उसका फॉर्मेट जो है गलत है, तो इस तरह आप डालिएगा तो आपका सीधे लिख देगा नॉट रिकॉर्ड फाउंड, यानी ये नहीं बना है, चाहे आपको लगेगा कि इसका कुछ नहीं बता है। तो अगर आप इस तरह से डालते हैं, पहले साल डालिएगा, उसके बाद मंथ डालिएगा, उसके बाद दिन डालिएगा, ठीक है, पहले वाई वाई, उसके बाद एमएम, ठीक है, उसके बाद डीडी, ठीक है। और बात करें टाइम का, तो टाइम जैसे भी है आपका वैसे सेम टाइम आपको डाल देना, जैसे यहाँ है 13, ठीक है, तो 13, उसके बाद 03 05 06, ठीक है। तो आपको टाइम में कोई चेंजिंग नहीं करना है, लेकिन दिन में आपको चेंजिंग करना है, ठीक है। पहले साल डालिएगा, उसके बाद मंथ डालिएगा, उसके बाद जो है दिन डालिएगा और एनरोलमेंट नंबर आपका सेम रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि न्यू तरीके से कैसे डाउनलोड करना है। तो इस तरह अगर आप डालकर ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट भेजिएगा तो आपको 100% ओटीपी मोबाइल पे आ जाएगा और आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपने स्लिप से, एनरोलमेंट स्लिप से कैसे आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।